गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम लोग वंदना पाठ को देखेंगे। वंदना का अर्थ होता है प्रार्थना। इसमें तीन श्लोक हैं, तीनों के बारे में समझेंगे। यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखे गए हैं श्लोक से संबंधित। वंदना मिस प्रार्थना, ओम मिस भगवान, आत्मदा आत्मिक शक्ति देने वाला, बलदा बल देने वाला, यश में जिसका उपास्य उपासना करते हैं, शंकराय शांति देने वाले के लिए, छाया में कृपा, हविषा में श्रवण सामग्री, कसमय किसके लिए, सुखा अच्छा रास्ता पर, दुराना मन बुराइयों को, संभवाय स्वयं उत्पन्न होने वाले के लिए, नमः मिस प्रणाम। इन शब्दार्थों को लिखना है, याद करना है। आगे श्लोक बता रहा हूँ, श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ, उसे सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। ओम यत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। देखो बच्चों, इसमें अर्थ दिया गया है, जो परमात्मा आत्मिक शक्ति और बल देने वाला है, सभी देव जिसके आदेश का पालन करते हैं, जिसकी कृपा अमृत है और जिसकी अकृपा मृत्यु के समान है, उसकी मतलब सुख स्वरूप सकल ज्ञान के दाता की हम अंतःकरण से भक्ति करें। दूसरा श्लोक है, ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योज्यस्मा जुराण मे नो भूष्ठाम ते नमा उक्तिम विधेमा। हे ज्ञान स्वरूप देव, आप ऐश्वर्य और विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सन्मार्ग पर ले चले। आप सभी ज्ञान और कर्मों को जानने वाले हैं। आप हमसे कुटिलता युक्त कर्मों अर्थात बुराइयों को दूर करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान हमारी सभी बुराइयों को दूर करें, ऐश्वर्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें सन्मार्ग पर ले चले, ऐसी हम इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं। तीसरा श्लोक है, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जो जगदीश्वर सुख स्वरूप है, संसार के उत्तम सुखों का दाता, कल्याण करता है मतलब भलाई करने वाला है, मोक्ष सुख दाता है मतलब मुक्ति देने वाला है, मुक्ति का अर्थ जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला, तो जो मोक्ष सुख दाता है मतलब मुक्ति दिलाने वाला है, अत्यंत मंगल स्वरूप है मतलब कल्याणकारी है, सुख के कामों को हमें बढ़ाने वाला है, हमारा जीवन सुखपूर्वक बनाने वाला है, सुखदाता है, उस प्रभु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस तरह से इस वंदना में तीन श्लोक दिए गए हैं, तीनों के शब्दार्थ यहाँ पर लिखा गया है, शब्दार्थ को याद करना है, तीनों श्लोक को याद करना है, श्लोक के नीचे उनके अर्थ भी लिखे गए हिंदी भाषा में, उसको याद करेंगे। बच्चे श्लोक शब्दार्थ और अर्थ याद करेंगे। धन्यवाद।